की कीमतों के खिलाफ आसनसोल में तृणमूल विरोध और एक प्रतीकात्मक विरोध रैली निकाली गई। आसनसोल के पूर्णगम मोड़ से चर्च मोड़ तक विरोध जुलूस का आयोजन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने मास्क पहनकर जुलूस में हिस्सा लिया। हालांकि सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर जुलूस आयोजित नहीं किए गए थे। चर्च के जंक्शन पर प्रतीकात्मक विरोध रैली में मंत्री मलय घटक, तृणमूल जिला महासचिव अभिजीत घटक, गुरुदास चटर्जी और अन्य दादा दीदी सभी मौजूद थे। पिछले 10 दिन से पेट्रोल और डीजल का दाम हर रोज बढ़ रहा है, जो रसोई का गैस उसका दाम भी हर रोज बढ़ रहा है। आज जब पूरा विश्व में तेल का दाम सबसे कम है, वहाँ हमारा देश का प्रधानमंत्री रोज तेल का दाम बढ़ा रहा है। पूरा हमारे विश्व में किसी देश में 35 रुपया लीटर से ज़्यादा तेल का दाम नहीं है, लेकिन हमारा देश में आज पेट्रोल और डीजल दोनों 80 रुपया से ज़्यादा हो गया है। तो ये शर्मनाक बात है। 56 इंच छाती वाला प्रधानमंत्री हर लीटर में 56 रुपया करके टैक्स दे रहा है, तो इसका खिलाफ आज ये आंदोलन हम लोग का हो रहा है। हम लोग ये मिशन कर रहे हैं कि जब से जितना जल्दी हो ये तेल का भाव गिराना चाहिए, क्योंकि तेल का भाव बढ़ने से हर चीज़ का दाम बढ़ता है, सब्जी का दाम बढ़ जाता है, जो हम लोग का रोज का जरूरी चीज़ है उसका दाम बढ़ जाता है। और लॉकडाउन का समय जब आदमी का पास रोजगार नहीं है, जब आदमी का पास खाने का सामान नहीं है, आज तेल का दाम बढ़ने से हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। इसका खिलाफ आज ये हम लोग का जो प्रतिवाद कर रहे हैं हम लोग, तो ये आसनसोल जो नॉर्थ ब्लॉक 1 है इसका रोड पर आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है।